हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया, हमारे इंटीग्रेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। दो टाइप के प्रॉब्लम्स हमने उसमें कर लिए थे। किस तरीके के प्रॉब्लम डिस्कस किए थे बता दे रहे हैं एक बार, जिसमें सारे फैक्टर लीनियर होते हैं, वो पार्ट हम कर चुके हैं, ऑल फैक्टर्स आर लीनियर। और एक पोर्शन मैंने आपको ये कराया था जब लीनियर फैक्टर के साथ इस तरह का फैक्टर मिलता है, लीनियर का होल स्क्वायर। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किए थे, तो एक दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं बोर्ड्स में आए हुए पीवाईक्यू में से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, एंड देन फिर जो तीसरा टाइप है वो भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, भी बिना समय बर्बाद करें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जरा ध्यान से, ये CBSE बोर्ड 2016 4 मार्क्स ईच एंड एवरी सेट। क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ज़रा 2016 बोर्ड्स का सवाल है। देखिएगा भाई, प्रॉब्लम इज 3 sin theta minus 2 cos theta divided by 5 minus cos square theta minus 4 sin theta d theta। बुक के अंदर सॉल्व एग्जांपल भी है ऐसा ही। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, वहां पे थीटा की जगह फाई इस्तेमाल किया है उन्होंने, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनाइएगा। थीटा लिखाओ, फाई लिखाओ, एक्स लिखाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, तो आराम से हो जाएगा। आइए जरा टैकल करते हैं क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज 3 sin theta minus 2 multiplied by cos theta 5 minus cos square theta minus 4 sin theta। ठीक है भाई, कैसे टैकल करेंगे? देखो, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, तो डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशनलाइज एक टूल हमारे पास सब्सटीट्यूशन है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो देखो, डिवाइड वाइड फैक्टर वैक्टर सब करके देखो, होता नहीं है, कुछ नहीं होगा इसमें, आप सब्सटीट्यूशन के बारे में सोच सकते हो। आप देखो, आपको किसका डेरिवेटिव यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर आप, मैं देखूँ जरा, साइड में बैठा हुआ है बिल्कुल आराम से, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका डेरिवेटिव होता है भाई? कॉस थीटा डेरिवेटिव होता है साइन थीटा का। तो अगर आप साइन थीटा को टी ले लोगे तो आपको डेरिवेटिव मिल गया, मतलब आप साइन को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अब साइन को सब्सटीट्यूट कर तो दें, बट साइन को सब्सटीट्यूट करने में एक समस्या है, क्या? ध्यान से सुनिए, यहाँ साइन लिखा है ये टर्म टी बन जाएगा, यहाँ साइन लिखा है ये टर्म टी बन जाएगा, बट ये परेशान करेगा ना, दिस इज नॉट साइन, दिस इज कॉस स्क्वायर। तो मतलब मुझे आइडिया तो मिल गया कि साइन को टी रखना है, बट ये कॉस स्क्वायर परेशान करेगा ना, तो एक काम करो ना, इस कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो, बचपन से करते आ रहे हैं, करते आइए। माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा हुआ हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे हो गया माइनस का 4 साइन थीटा डी थीटा, बिल्कुल परफेक्ट है। आइए जरा अब सॉल्व करिए इसको, तो 3 sin theta minus 2 cos theta, इसका ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज हो जाएंगे, 5 minus 1 plus sin square theta minus 4 sin theta d theta, सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। तो दिस इज 3 sin theta minus 2 cos theta, देखो नीचे क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले लिख लिया, पीछे लिखा हुआ है माइनस का 4 sin theta, और ये चीज़ बनी प्लस का 4, वेरीफाई कीजिए, परफेक्ट है। अब आप इजीली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो करिए ज़रा, पुट करिए साइन थीटा को टी, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा इज डी टी। सो देखिए मेरा आई क्या बना, मेरा आई बना दिस इज 3t minus 2, कॉस थीटा डी थीटा बन गया आपका डी टी। नीचे क्या आया, ये चीज, ये तो भाई नीचे टी का पावर 2 है, परफेक्ट स्क्वायर की हिंट दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल में ऊपर टी लिखा हुआ आ गया, तो याद है ना, वो ए वाले मेथड से करना पड़ता था, इफ यू रिमेंबर, याद करो, ए नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस में बी, कुछ ऐसे ऐसे लेट करना पड़ता था। हाँ, तो मुझे आइडिया तो मिल गया कि इसको ऐसे करना है, लेकिन सोचिए नीचे पावर कितनी दी हुई है, 2, अगर इसके फैक्टर बन गए तो आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, और वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप नोटिस करिए इसके फैक्टर बन रहे हैं, अगर आप फैक्टर बनाना चाहें तो बन जाएंगे फैक्टर, ये नीचे टी माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है। तो देखिए भाई, दिस इज 3t minus 2 t minus 2 whole square dt। अब अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट सेशन का लास्ट प्रॉब्लम यही था, मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास है इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए वही प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ गई है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिए, कैसे बनाएंगे आइए ज़रा देखिए।
ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल हो गया, तो इसको लेट करिए जो भी इंटीग्रेशन के अंदर है. सो 3t माइनस 2 टी माइनस 2 होल स्क्वायर को लेट करना है. कैसे लेट करेंगे? ये तो होल स्क्वायर वाला फैक्टर है, दो बार में लेट होता है. पहले a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लेट होता है ना, पहले विदाउट होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर के साथ. अब हमें a और b निकालना है, तो t माइनस 2 होल स्क्वायर राइट साइड में फेंको, तो a के साथ तो t माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और b खाली हो जाएगा. अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए t को 2 पुट करना पड़ेगा. सो पुट t इक्वल्स टू 2 इंटू, लेफ्ट साइड देखिए पहले, 6 में से 2 गया तो 4, ये 2 माइनस 2 खत्म हो गया. सो वी हैव b इक्वल्स टू 4. अब आप इस फैक्टर के पास आइए, अब t को दोबारा t 2 पुट करेंगे तो आपको वापस से b ही मिलेगा, a नहीं मिलेगा. तो ऑप्शन खत्म हो गए बट वैल्यू निकालना रह गया. तो जब ऑप्शन खत्म हो जाए, वैल्यू निकालना रह जाए, तो अपने एंड से वैल्यू डालते हैं. एंड ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो. सो लेफ्ट साइड इज माइनस 2, राइट साइड देखिए भाई, जीरो पुट कर रहे हैं, तो दिस इज माइनस 2. तो ये हो गया आपका माइनस का 2a प्लस का b. तो आपको b का वैल्यू पता है 4, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस 6. वेरीफाई कर लेना भाई. सो a इज 3, a मिल चुका है, b मिल चुका है. अब आगे की कहानी देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके बाद. सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट a हो गया आपका 3, b हो गया आपका 4, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, 3 बाहर dt अपॉन t माइनस 2, 4 बाहर dt अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर. ये तो i बन गया, ये तो लॉग बनेगा. और याद करो, लास्ट सेशन में भी बताया था, ये होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें एक फैक्टर 1 अपॉन x स्क्वायर जैसा बनेगा, और 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय x. तो दिस इज 1 अपॉन t स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाय t. तो देखिए प्लीज, सो दिस इज 3 लॉग t माइनस 2, माइनस 1 बाय t होगा ना, प्लस c. ये इसका आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट है. इसका t का वैल्यू डाल दीजिए. जब आप इसमें t का वैल्यू डालेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है. तो इस तरीके से सवाल था, बुक का सॉल्व एग्जांपल है और आराम से किया जा सकता है. 2016 बोर्ड्स में आया था, देखिए बच्चा इसको इजीली टैकल कर सकता है. अभी इसके आंसर में कैच है, मैं आंसर बताता हूँ उसका, बुक में क्या दिया हुआ है. घबराना नहीं है उससे कभी भी, बट जैसे हम कर रहे हैं इसको, परफेक्ट है ये हमारा आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है. यहाँ आप छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है. तो ये वाला आप ट्राई कीजिएगा खुद से क्वेश्चन एक बार, ठीक है. इसके आंसर पे थोड़ा सा कैच है, मैं बताता हूँ आंसर कैसा है. अभी 2016 वाला सवाल आपके सामने, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, पॉज करके सवाल लिख लो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो कर लो, क्योंकि ये करना पड़ेगा आपको. मैं रब कर दे रहा हूँ, 2016 वाला सवाल था ये. अब 17 वाला दिखाते हैं, फिर इसके आंसर पे डिस्कशन करता हूँ थोड़ा सा. 17 का सवाल देखिए ज़रा, 2017 में क्या पूछा गया, 4 मार्क में. अरे ये तो बिल्कुल ऊपर जैसा है, वेरीफाई करो भाई. थोड़ा सा चेंज है, जरा सा चेंज है, एंड बिल्कुल ऊपर जैसा सवाल है, आराम से बनेगा. इसको मैनेज करना, या देखो करना इसको मैनेज, कर देता हूँ चलो आप लोगों के लिए. ब्रैकेट वैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. 13 में से एक गया तो प्लस का 12, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन एक्स डी एक्स. साइन को टी रखना, डेरिवेटिव ऊपर है. सो 3t माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस में 12 dt. अब परफेक्ट स्क्वायर का हिंट दे रहा है, लेकिन ऊपर टी लिखा हुआ है, तो ए वाले मेथड से जाना पड़ेगा. चलिए ठीक है, वो भी परफेक्ट है, हो सकता है वैसे भी. लेकिन अगर ये नीचे डिग्री 2 है, अगर इसके फैक्टर बन गए, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, थोड़ा करना और आसान हो जाएगा.
बन रहे हैं नीचे वाले के फैक्टर, आप वेरीफाई कीजिए इसके फैक्टर बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करो 12 जोड़ो तो 7, 4 और 3 फैक्टर हो गए इसके, तो दिस इज टी माइनस 4 एंड टी माइनस 3 डी टी। आगे फैक्टर बनाओ, क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हो जाएगा आप लोगों से आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आंसर पर डिस्कशन करना मुझे थोड़ा सा, मैं रब कर दे रहा हूँ भाई सारा। देखिए भाई, अब इसका जो आंसर बुक में दिया हुआ है ना यार, बुक में थोड़ा ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है आंसर से, कभी नहीं घबराना, जब तक आपको नहीं घबराना जब तक वो शो दैट ना बोले। अब वो क्वेश्चन लिख के दिया है उसने, अब आपको थोड़ी पता है क्या आंसर आना है उसका, तो जहाँ तक आपको सॉल्व करना है वहाँ तक आप सॉल्व कीजिए, जहाँ तक आपकी तसल्ली होती है वहाँ तक सॉल्व कीजिए, यही तरीका है, क्योंकि इंटीग्रेशन के आंसर थोड़े से मिसमैच भी हो जाते हैं। लेकिन जो इसका आंसर बुक में दिया हुआ है, मतलब बुक वाला आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बुक में ये आंसर दिया हुआ है भाई, ये बुक में आंसर दिया हुआ है। अब ये आंसर क्यों दिया हुआ है वो बता देता हूं, और ये आंसर है क्या बताया। देखो ये बात तो हर बच्चे को समझ में आ गई कि भाई इसने क्या करा है, यहां से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, ठीक है जी, ये वाला पार्ट परफेक्ट है। अब यहां दिक्कत है कि उसने ये क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस टू को उसने टू माइनस साइन थीटा लिख दिया, चलो वो भी ठीक है, अंदर से माइनस कॉमन लिया होगा, 100% लिया होगा, बट ये मॉड कहाँ चला गया, मॉड कहाँ हटा दिया उसने, तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिएगा। आओ पहले छोटी छोटी बातें सीखते हैं, व्हाट इज मॉड माइनस थ्री, दिस इज थ्री, व्हाट इज मॉड माइनस वन, मॉड माइनस वन इज वन। अब सुनिए एक चीज सुनिएगा जरा ध्यान से, मॉड माइनस एक्स क्या होगा भाई, देखो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ फटाफट फटाफट, मॉड माइनस एक्स क्या होगा आप ऐसे समझो, मॉड माइनस एक्स को माइनस वन इंटू एक्स लिख सकते हैं, इस मॉड को स्प्लिट कर दो, मॉड माइनस वन इंटू मॉड एक्स, तो ये तो वन हो गया, तो दिस इज मॉड एक्स, तो कहने का मतलब माइनस को मॉड से बाहर ले आओ खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मॉड माइनस वाई है, सिंपली इसको मॉड वाई लिख दो, मॉड माइनस अल्फा है, सिंपली इसको मॉड अल्फा लिख दो, रीजन आपके सामने है, पहली चीज अंडरस्टैंड। अब देखो जरा ध्यान से आंसर की तरफ, उसने क्या करा होगा, क्यों करा होगा वो ही बताता हूँ। ये जो टर्म है थ्री लॉग, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, अब ये मॉड माइनस एक्स की तरह काम करेगा, मैंने अभी बताया, तो माइनस हटा दो ना बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो दिस इज थ्री लॉग, परफेक्ट चीज है, ये आंसर होना चाहिए था ना, लेकिन उसने मॉड भी हटा दिया, मॉड क्यों हटाया उसने वो देखो जरा ध्यान से। अभी आप मुझे बताओ मॉड थ्री का आंसर क्या आता है, थ्री, मॉड फोर का आंसर क्या आता है, फोर, भाई चार तो पॉजिटिव है ना, तो चार पॉजिटिव है तो उसमें मॉड लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, मॉड लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, कोई सेंस ही नहीं है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ मॉड सिक्स, भाई सिक्स तो पॉजिटिव है ना, तो उसमें मॉड लगाओ ना लगाओ क्या ही फर्क पड़ता है, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, तो दिस इज सिक्स ओनली। तो ऐसे ही ये जो टू माइनस साइन थीटा है, ध्यान से सुनना, देखो आप लोगों को पता है साइन थीटा का जो रेंज है वो ये है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वन, साइन का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस वन, और मेरा एक्सप्रेशन क्या है, टू माइनस साइन थीटा, ये इस अंदर वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन क्या है मेरा, टू माइनस साइन थीटा। अब सोचिए साइन अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी ले ले, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, अगर साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा वन, तो आंसर मेरा वन आ जाएगा। अच्छा साइन अगर अपनी मिनिमम वैल्यू पकड़ ले माइनस वन, तो जैसे आप माइनस वन लिखोगे तो यहां पे थ्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब हर सूरत में चाहे साइन की जो मर्जी वैल्यू हो, ये जो नंबर है टू माइनस साइन थीटा इज पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और जब ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर में मॉड शोभा नहीं देता, इसीलिए एग्जामिनर ने ऐसा लिख लिया। तो ये सारा माइनस कॉमन लेने का बखेड़ा, सारा माइनस कॉमन लेने का चक्कर इसी वजह से था कि ये नंबर पॉजिटिव है, बस ये चक्कर है। अब कोई कहेगा सर हमें तो नहीं करना है ऐसा, अरे बिल्कुल नहीं करना भाई आपको ऐसा, आपको तब तक चिंता नहीं करनी जब तक आपको शो दैट करके ना बोले कि भाई इसका आंसर ये प्रूफ करो, और फिर भी मैंने आपको इसका रीज़न बता ही दिया है कि इसका आंसर ऐसे कैसे आया, ठीक है ना। आप इसके बाद डायरेक्टली वो स्टेप लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, एग्जामिनर समझ जाएगा। इसमें से आपने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, आपने अंदर ही अंदर माइनस कॉमन निकाला, माइनस वन तो प्लस वन हो गया, और जो 2 माइनस साइन थीटा है वो पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट मैंने आंसर दे दिया। तो
तो इतना नहीं करना जब तक शो दैट की बात ना की जाए, अदरवाइज ये परफेक्ट आंसर है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई बात ना क्लियर हुई हो तो बताइए, अभी क्लियर करेंगे, फिर दोबारा से क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ध्यान से, जरा दो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट फटाफट। ये फॉर्मूला, चलो एक एग्जांपल देखो पहले, इसको जहन में बैठा लो, बहुत काम की चीज़ है ये। हाँ जी, अगर आप लोगों से बोला जाए कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप लोग सोचिए फटाफट। बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम है। देखो डिवीजन है, डिवाइड फैक्टर कॉमन फार्मूला रेशनल, जो तुम्हारा मन है वो करके देखो, सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, मुझे तो दिख रहा है। जब भी फ्रैक्शन हो सबसे पहला काम आप डेरिवेटिव करके देख लिया करो ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव होगा 2x, और देखो ऊपर x मौजूद है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन को t, सो दिस इज 2x dx is dt, तो x dx is dt by 2, तो x dx को आपने dt by 2 लिख दिया, 1 by 2 बाहर, dt अंदर, और नीचे हो गया t, तो ये तो dt by t हो गया। अगर ये dt by t है तो आंसर आ गया 1 by 2 log t plus c, t का वैल्यू डाल दो। काम का सवाल है, बहुत काम का सवाल है। उसके अलावा एक फॉर्मूले में हमने काम किया है, इफ यू रिमेंबर, 1 by x square plus a square, क्या फॉर्मूला होता है इसका, दिस इज 1 upon a tan इनवर्स x by a plus c, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना भाई, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, इसको हमें करना है, ये तो 1 upon x square plus a square है, नीचे x का पावर 2 मतलब पर्टिकुलर फंक्शन है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स वाला, तो 1 upon a, a इज रूट 2, tan इनवर्स x by a plus c, इस तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा टाइप का सवाल देखिएगा जरा ध्यान से। देखिएगा भाई प्लीज, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, ये ऊपर वन लिखा हुआ है भाई, देखो भाई नीचे डिग्री 3 है, फैक्टर बने हुए हैं, मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल, ये तीसरा टाइप है हमारा। आ जाओ समझाता हूं क्या है तीसरा टाइप। पहला टाइप क्या था, ऑल लीनियर, सारे के सारे जो फैक्टर थे वो लीनियर थे, लीनियर मींस सारे फैक्टर्स में एक्स का पावर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो वो हमने कर लिया था। लेट करने का टेक्निक होता है, कैसे लेट करते हैं, ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा फैक्टर, सी अपॉन तीसरा, चौथा आ जाए तो डी, पांचवा आ जाए तो ई, अब तक तो खैर ऐसा आया नहीं, आ जाए तो निपट लेंगे, है ना। आइए सेकेंड थिंग, एक फैक्टर लीनियर होता था और एक लीनियर का होल स्क्वायर होता था, तो लीनियर फैक्टर को लेट करना तो हमें आता है, होल स्क्वायर वाला फैक्टर 2 बार में लेट कर लेते थे, कैसे लेट करते थे, पहले विदाउट होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर के साथ। अब ये तीसरे टाइप का सवाल, एक फैक्टर तो होगा लीनियर और एक होगा ऐसा, कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा, मतलब इस फैक्टर को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इस वाली टाइप को भी यही टाइप समझते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये तो भी और फर्दर टूटेगा, चेक करो, ये तो अभी फर्दर ब्रेक होगा, वेरीफाई करिए, इसे तो और ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा नीचे, x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x प्लस टू। अब नोटिस करो, ये तो ऑल लीनियर, ये तो पहला वाला टाइप बन गया ना, a अपॉन ये वाला फैक्टर, b अपॉन ये वाला फैक्टर, c अपॉन ये वाला फैक्टर, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ऐसे फैक्टर की, x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, यहां एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, अब ये फर्दर नहीं टूट सकता, तो इसलिए ये वाला टाइप बनाया मैंने, तो तीसरा टाइप है ये। ठीक है, तो पहला टाइप ऑल लीनियर, दूसरा टाइप लीनियर के साथ लीनियर स्क्वायर, और तीसरा टाइप ऐसा, एक लीनियर फैक्टर होगा और एक ऐसा फैक्टर जो और ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई। तो वे तीसरे टाइप का सवाल, तो सारा खेल है पार्शियल फ्रैक्शन में लेट करने का, कि आप लेट कैसे करते हो, तो आओ लेट करना सिखाते हैं। लेट 1 upon x minus 1 x square plus 2, ये तो लीनियर फैक्टर है, पुराना साथी है,
लीनियर फैक्टर को लेट करा ए अपॉन एक्स माइनस वन करके, ये नया फैक्टर है, ये वाला फैक्टर नया है। तो इस फैक्टर को कैसे लेट करते हैं, इसको लेट करने की टेक्निक क्या है, बी एक्स प्लस सी करके लेट होता है, याद रखना। मतलब इस फैक्टर को जो लेट करने का तरीका है वो बी एक्स प्लस सी, सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी, इस तरीके से लेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मान लो मेरा सवाल ऐसा है पेपर में, तो घबराना नहीं है, लेट करेंगे। ये वाला फैक्टर, ये तो ए एक्स प्लस बी करके लेट होता है ना, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो लीनियर फैक्टर है पुराना साथी, तो इसे सी अपॉन एक्स माइनस फोर। तो कहने का मतलब ये जो तीसरा फैक्टर बताया, ये वाला फैक्टर बताया, ये कैसे लेट होता है, ए एक्स प्लस बी करके लेट होता है, ठीक है ना भाई। तो तीन तरह के फैक्टर सिखाए गए हैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन में, लीनियर, लीनियर ए अपॉन बी अपॉन सी डी, इस तरीके से चलता है। एक होल स्क्वायर वाला फैक्टर, होल स्क्वायर वाला फैक्टर दो बार में लेट होता है, कैसे दो बार में लेट होता है, पहले विदाउट होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर के साथ। एंड थर्ड थिंग इस तरह का फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह के फैक्टर को लेट करते हैं ए एक्स प्लस बी करके, ठीक है ना। चलिए बाकी प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। देखिए भाई प्लीज इसको क्रॉस करा दीजिए, ए बी सी निकालना है। सो लेफ्ट साइड इज वन, राइट साइड ए में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज बी एक्स प्लस सी, इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू। अब हमें ए बी और सी निकालना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले इस फैक्टर से बात करो, एक्स को क्या पुट करूँ कि ये जीरो हो जाए, एक्स को पुट करना पड़ेगा वन। सो पुट एक्स इक्वल्स टू वन इन टू, तो जैसे ही आपने एक्स को वन डाला, लेफ्ट साइड तो वन है, वन माइनस वन जीरो, ये जीरो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा ब्रैकेट वैनिश हो गया, यहाँ बना थ्री ए, वेरीफाई कीजिए। तो इधर से ए का वैल्यू वन बाय थ्री आ गया, ठीक है। अब आप अगले फैक्टर की तरफ मूव करो, ये है इंटरेस्टिंग। आप एक्स को जो मर्जी डाल लो, ये कभी जीरो नहीं होगा, चेक करके देखो क्या क्या डालने का मन कर रहा है। कोई बोलेगा सर एक्स को रूट टू डाल लो, अरे रूट टू डालोगे तो रूट टू का स्क्वायर टू हो गया, टू प्लस टू फोर होएगा नीचे। कोई कहता सर एक्स को माइनस रूट टू डाल लो, माइनस रूट टू का स्क्वायर भी तो टू होता है, तो नीचे फोर ही आएगा। मतलब ये फैक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा। अब जीरो नहीं होगा तो फंस गए, ऑप्शंस खत्म हो गए, बट वैल्यूज तो नहीं निकली। भाई यहां से मैं ऑप्शंस ढूंढता हूं ना अपने लिए, तो मुझे यहां से एक्स की ए की वैल्यू का ऑप्शन मिला था वन, ये तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो ऑप्शन खत्म हो गए और वैल्यू निकालना रह गया। अब देखिए खूबसूरती टॉपिक की, ध्यान से सुनिए। जब मैं पहला वाला टाइप कराया था आपको ऑल लीनियर, ऑल लीनियर में सारी वैल्यूज खुद ब खुद निकल आई थी। तो जब मैंने आपको ये होल स्क्वायर वाला कराया था, तो याद है इसमें एक वैल्यू हमें खुद से निकालनी पड़ती थी, आपने जीरो वगैरह पुट करके निकालनी पड़ रही थी, दो वैल्यू निकल जा रही थी, एक हमने खुद निकाली थी। और ये तीसरा वाला है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकल रही है, बाकी खुद से निकालनी पड़ेगी सारी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने जब एक्स को वन डाला तो मुझे ए मिला, बट बी और सी रह गया, और वैल्यूज के ऑप्शन मुझे क्वेश्चन से नहीं मिल रहे, ऑप्शंस खत्म हो गए, वैल्यू निकालना रह गया, तो मुझे अपने एंड से वैल्यू डालनी है। और अपने एंड से डालने का क्या पैटर्न बताया था मैंने, ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। सो आइए पुट एक्स बराबर जीरो इन टू, पैटर्न बता रखा है मैंने, जीरो, जीरो के बाद वन, फिर माइनस वन, टू माइनस टू एंड सो ऑन, ये हमारा पैटर्न होना चाहिए। वो वैल्यू इस्तेमाल करते हैं जो हमने पहले ना करी हो, सो ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो, क्योंकि जीरो हमने इस्तेमाल करा ही नहीं है। सो लेफ्ट साइड इज वन, राइट साइड को बड़े ध्यान से देखना भाई, जब आपने यहाँ जीरो डाला तो ये टू ए हो गया, जब आपने यहाँ जीरो डाला तो बी वैनिश हो गया, देखते रहिए बी वैनिश हो गया, देर इज सी ओनली, ठीक है। और इधर माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई सी इज माइनस सी, चेक करिए ए का वैल्यू वन बाय थ्री है, तो ये टू बाय थ्री माइनस सी, सी इधर ले जाओ, वन उधर ले जाओ, तो C इज माइनस वन बाय थ्री। तो अभी A आ चुका है, C आ चुका है, बट B अभी भी नहीं निकला, मतलब एक वैल्यू मुझे और निकालनी पड़ेगी। तो जीरो के बाद मुझे एक वैल्यू खुद से और डालनी पड़ेगी, तो जीरो के बाद नंबर किसका आता है, वन का। भाई पहले जीरो डालते हैं, जीरो के बाद वन, माइनस वन, टू माइनस टू, ये पैटर्न होता है। तो जीरो के बाद मैं एक्स को क्या पुट करूंगा, वन, लेकिन 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 एक्स को वन में पुट कर चुका हूं, तो एक्स दोबारा वन नहीं पुट हो सकता, तो इसलिए अब मैं डालूंगा एक्स को माइनस वन, पैटर्न यही रखना। सो पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड टू, ठीक है ना भाई। यहां पे जीरो डाला क्योंकि ऑप्शन खत्म हो गए थे, जीरो डाल के मुझे सी मिला, बी निकालना मेरा अभी भी रह गया, तो बी के लिए मुझे एक वैल्यू और डालनी है, तो जीरो के बाद मैं जाऊंगा वन के पास, बट वन तो यूज हो चुका है ना, तो इसलिए मैं माइनस वन डाल रहा हूं। सो पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड टू, ध्यान से देखना भाई, लेफ्ट साइड इज वन, ये माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, तो दिस इज थ्री ए, चेक कर लो।
अब ध्यान से सुनना, ये मैं स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, गलती बहुत होती है। एक्स को माइनस वन डालोगे तो ये बी नेगेटिव हो गया प्लस सी। चेक करें ब्रैकेट को, देखिए ध्यान से, और जैसे आपने एक्स को माइनस वन डाला तो बाहर हो गया माइनस टू, माइनस टू को अंदर ले लो तो ये प्लस का टू बी हो गया और माइनस का टू सी हो गया। आपको ए और सी दोनों पता है तो बहुत ध्यान से वैल्यूज डालेंगे। ए का वैल्यू वन बाय थ्री है, थ्री से थ्री कट गया तो यहाँ वन आ गया। सी का वैल्यू माइनस वन बाय थ्री है तो ये प्लस टू बाय थ्री हो गया। चेक करो इन दोनों को लेफ्ट पे ले जाओ, वन से वन कट जाएगा, चेक कर लो भाई। भाई ये वन और टू बाय थ्री लेफ्ट में आके माइनस होंगे तो वन से वन वैनिश हो जाएगा। सो यहाँ बनेगा माइनस का टू बाय थ्री इज टू बी, तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपका सिंपली माइनस वन बाय थ्री। चेक कर लीजिए, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, सबको उठा के फर्स्ट में डालो। सो देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा देखो ए, ए का वैल्यू वन बाय थ्री है प्लस बी का वैल्यू, बी का वैल्यू माइनस वन बाय थ्री एक्स, सी का वैल्यू माइनस वन बाय थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। वन बाय थ्री बाहर ले लिया, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसे स्प्लिट कर दो भागों में। पहले भाग में माइनस वन बाय थ्री बाहर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, यहां माइनस वन बाय थ्री बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में टू। दिख रहा है? अब देखो ये तो बन गया आपका आई। अब हमेशा ऑलवेज सुनना आंसर, जब भी कोई टाइप का सवाल आएगा आपको आंसर तक याद होंगे। आ जाओ, हमेशा लॉग बनेगा, चेक करो, हमेशा सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले को टी रखने का डेरिवेटिव ऊपर, हमेशा वो टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला दिखाया था थोड़ी देर पहले, हमेशा वो टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो मतलब जब भी ये वाली टाइप आएगी जो आपके तीन फैक्टर बनेंगे, तीनों के आंसर आपको पता है, पहले का आंसर लॉग, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, तीसरा फैक्टर टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो समझ गए, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा भाई, तो करते हैं इसको। तो दिस इज वन बाय थ्री लॉग एक्स माइनस वन, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, चाहो तो सब्स्टिट्यूट करके दिखा दो, वरना डायरेक्टली माइंड में भी कर सकते हैं अगर कर सके तो, अगर गलती ना करो तो ही डायरेक्ट करना, ठीक है ना? बट डायरेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको टी रखोगे तो टू डिवाइड में आएगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का, टू एक्स डी एक्स, और सामने डी टी होगा, बट अपने को तो एक्स डी एक्स चाहिए, तो टू डिवाइड में फेंकोगे तो एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाय टू, तो बाहर हो जाएगा वन बाय सिक्स, क्योंकि बाहर ऑलरेडी वन बाय थ्री बैठा है, तो अब ये डी टी बाय टी हुआ होगा, तो डी टी बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी। तो इसको लिख दूंगा मैं लॉग टी, और टी रखा होगा आपने एक्स स्क्वायर प्लस टू को, तो ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आप कर सको तो। मतलब ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी, हीरो नहीं बनना, अगर होता है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो दो तीन स्टेप, एक दो स्टेप लगते हैं फालतू, वो कर लीजिएगा। यहां वो टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वन अपॉन ए, ए तो रूट टू है, टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी, इस तरीके से टैकल हो जाएगा। तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बढ़िया टाइप है, इजीली हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला तीसरा टाइप था। तो तीनों टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको एक दो और लगा के देखने, सो दैट कि आपसे सारा प्रॉब्लम आराम से बन जाए, ठीक है? अब एक बोर्ड का सवाल दिखाते हैं आपको, मैं रब करूंगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब जरा एक दो प्रॉब्लम देखिए, अब एक चीज देखो, नोटिस करो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने, 2016 बोर्ड्स में, ये दिल्ली रीजन के सवाल हैं भाई,
एक सेकेंड वेट कीजिएगा प्लीज। ये 2018 का सवाल है। मैं एक चीज़ नोट करा रहा हूँ कि सीबीएसई वाले जब किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो कैसे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए देखिए आप ज़रा, देखिए भाई ये सवाल हो चुका है, मैंने डिस्कस कर दिया, ये हो चुका है डिस्कस कर दिया, आ जाओ इसको क्या डिस्कस करना रह गया, आइए देखते हैं भाई क्या देखोगे आप लोग ज़रा इसमें। अब यहाँ तक ना बच्चे को जज कर लेना चाहिए क्या होता है। अरे सब्स्टिट्यूशन होगी और क्या होगा, साइन एक्स को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, हो गया काम। सो ऊपर हो गया 2dt, कॉस एक्स डी एक्स हट जाएगा 2dt, नीचे हो गया 1 माइनस टी, और ये हो गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी तो करा है थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल अभी करा है। ये तीसरा वाला टाइप बना, एक लीनियर फैक्टर है और एक ये वाला फैक्टर है। तो लेट करिए, आओ हिंट दे देते हैं बस, जो भी चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर है टू को भी लपेट लो साथ में। ये तो लीनियर फैक्टर है तो ये a बाय समथिंग, ऐसे फैक्टर को बी एक्स प्लस सी करके लेट करते हैं, बट यहाँ एक्स नहीं यहाँ पे टी है, तो ये केयरफुल रहना है। तो इसको लेट करेंगे बी टी प्लस में सी, हो गया काम। और वैल्यूज निकालिए और इंटीग्रेशन कीजिए, ये वाले फैक्टर का आंसर लॉग आएगा। बाद में ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा और एक पार्ट में टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, हो जाएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। अब मजे की बात क्या है, आपकी बुक में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 होगा आई थिंक, 7.5 का 13th है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना, आगे पीछे चेक कर लेना, ये बुक का सवाल है आपकी। आंखें खोल के देखिए इस सवाल को जरा, जब मैंने साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मेरा यही सवाल नहीं बना? तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन उन्होंने एनसीईआरटी का ही दिया है, बस इसको एक स्टेप उसने और बढ़ा दिया कि सब्स्टिट्यूशन से ये चीज़ क्रिएट हो गई। तो जिसने बुक के एनसीईआरटी के सवाल बढ़िया से लगाए हुए हैं तो वो तो आराम से कर लेगा, तब जीत जाएंगे इस सवालों में, आराम से जीत जाएंगे आप, तो कर लीजिएगा भाई इसको, क्या ही बताएं इसमें। ठीक है, हटा दे रहा हूँ मैं इसको। अब मेरी बात सुनिए, ये 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर नहीं हुआ, 22, 23, तो 16 से लेकर 2023 तक लगातार पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल तो मिला ही मिला है। तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना हमें, सीधी सी बात है यार। पहले 4 मार्क का सवाल आया करता था बड़ा, पहले जो मार्किंग स्कीम होती थी वो ऐसी हुआ करती थी, 1 मार्क के सवाल होते थे, 2 के होते थे, 4 के होते थे, 6 के होते थे, ठीक है ना। जब हम पढ़ा करते थे 2008 में मैंने कभी एग्जाम दिया है तो मेरे ज़माने में 1-1 मार्क के 10 क्वेश्चन आते थे, 1-1 मार्क के 10 सवाल आया करते थे, 4-4 मार्क के 13 सवाल आया करते थे, 6-6 मार्क के 7 सवाल आया करते थे। तो ये पैटर्न था, पीछे फिर 1, 2, 4, 6 हुआ, अब पैटर्न बदल गया है, अब 1 मार्क के सवाल है, 2 मार्क के सवाल है, 3 मार्क के सवाल है और 5 मार्क के सवाल है और 4-4 मार्क की केस स्टडी है। तो अब ये पैटर्न है, तो जो सवाल पहले 4 मार्क में आया करता था अब वो 3 मार्क में आता है, जो सवाल 6 मार्क में आया करता था अब वो 5 मार्क में आता है, तो ऐसा घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आप नोटिस कर लिए 2016 से लेकर 2023 तक तो पार्शियल फ्रैक्शन लगातार पूछ रहा है। सोचो अगर 9 मार्क का उसे इंटीग्रेशन देना है पेपर में तो 3 मार्क तो ये बैठे। अगर कोई बच्चा इंटीग्रेशन छोड़ने की सोच रहा है, उसे इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा है, तो यार ये वाली एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज जो बताई गई है आपको, उन पर अच्छे से कमांड करो, 33% तो काम हो ही जाएगा आपका। अरे पूरा छोड़ने से बेहतर है 3-4-5 मार्क्स तो बन जाएंगे आप लोगों के, और आगे का जो सफ़र है वो और भी आसान है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखोगे उसके अंदर लिमिटेड सवाल है, उनमें से बड़ा सवाल बन जाता है कई बार 5 मार्क का, वरना 3 मार्क का बन जाता है, 1-1 मार्क के सवाल भी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर 9-11 मार्क का इंटीग्रेशन आ रहा है पेपर में तो 6-8 मार्क हर बच्चा आराम से बना लेता, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इतना डरने और डराने वाली बात नहीं है इंटीग्रेशन, आप तरीके से सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ को करने कराने का तरीका होता है, पढ़ने का पढ़ाने का तरीका होता है, तो हर चीज़ को ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बनेंगी। चलिए बहुत भाषण हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, इन चीज़ों इन 4 क्वेश्चनों में कुछ नोट करवा रहा था, आप नोट करिए। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम में साइन को टी रखना, डेरिवेटिव कॉस एक्स है,
इसमें भी साइन को टी रखना डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसमें भी साइन को टी रखना डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसमें भी साइन को टी रखना डेरिवेटिव कॉस एक्स है। चार चार साल सेम चीज़ पूछ रहा है, आप देख लो कितना आराम से हो जा रहा है, तो कर लीजिएगा भाई इसको। अब भाई पार्शियल फ्रैक्शन ना मेरे एंड से ख़त्म हो गया, बट बुक के एंड से नहीं ख़त्म हुआ। पार्शियल फ्रैक्शन के ये तीन टाइप के सवाल तो हैं, उसके अलावा भी पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ और है। क्या है ध्यान से सुनना। अब पार्शियल फ्रैक्शन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपने ये प्रॉब्लम बढ़िया से बना लिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको क्या चीज़ फंसाएगी, दो तरह की चीज़ें रह गई हैं, आप इन पे अपनी मास्टरी कर लो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कहीं से कुछ भी आ जाए तो आप निकल जाओगे बाहर। तो दो तरह के सवाल हैं, एक तरह का सवाल जो और रह गया वो है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, एंड सेकेंड थिंग डिग्री फोर वाले सवाल, डिग्री फोर वाले क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ स्पेशल कैच है वो बताएंगे आप, कुछ चिंता ना करिए। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और डिग्री चार, तो इनको ढंग से सीख लेंगे तो काम हो जाएगा। अभी इस बार दिल्ली सीबीएसई में पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आया था, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ठीक से सीख लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा बढ़िया से। तो और थोड़ा सा ना प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे काम करते हैं, थोड़ा सा एक दो सवाल छोटे छोटे करते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, एंड देन फिर देखते हैं किस तरह के प्रॉब्लम से बन सकते हैं। अब देखिए, जब मैं फ्रैक्शंस की बात करूँ तो ये क्या लिखा है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है। देखो, कोई भी फ्रैक्शन है ना उसे प्रॉपर होना चाहिए। मान लो दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हैं, ऐसी एक फ्रैक्शन है दो फंक्शन डिवाइड में लिखे फ्रैक्शन में, तो जब मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं तो ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है ना, कि जी एक्स जीरो नहीं होगा तो इस पर हंगामा नहीं मचाना, हाय तौबा नहीं करनी, अगर ऐसा नहीं लिखा हमने तो इट इज अंडरस्टूड, आप समझ के चलो ऐसा है, ठीक है। अब ये एक फ्रैक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स, तो इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहेंगे। कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है, तो सुनिए, तो कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाती है जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डिग्री बड़ा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। अगर ऐसा है तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाएगी, अदरवाइज फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर, और फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर होना अच्छी बात नहीं होती। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आप हमेशा उसे प्रॉपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं सिखाता हूँ, चिंता ना करिए, एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये एक फ्रैक्शन है, नीचे डिग्री कितना है दो, ऊपर डिग्री कितना है चार, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, नीचे वाले का डिग्री ऊपर वाले के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ डिग्री दो है और ऊपर डिग्री कितनी है चार, तो गड़बड़ है, तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, इस फ्रैक्शन को प्रॉपर करना पड़ेगा। इसे प्रॉपर करने के एक दो तरीके हैं, दो एक तरीके से डील हो जाएगा, लेकिन मैं एक और वे बता रहा हूँ, डायरेक्ट काम हो जाएगा उससे। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। तो ये फ्रैक्शन तो प्रॉपर नहीं है ना, तो इसे पहले आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आइए पहले बचपन की तरफ वापस चलते हैं। आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा होगा, आइए सिखाते हैं डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिदम कहता है, मान लो मैं 9 को डिवाइड करना चाहता हूं 2 से, तो 9 को 2 से डिवाइड करो तो 4 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 8, और रिमाइंडर कितना बना 1, यही हुआ ना। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या सिखाती है हमें, दिस थिंग मतलब 9 कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस प्लस में रिमाइंडर, मतलब 2 × 4 प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। इनके नाम भी होते हैं ना, डिवाइजर कोशेंट, ये सब होते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ देखते रहिए फटाफट फटाफट। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस प्लस में रिमाइंडर, तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो आइए जरा इसी सवाल से स्टार्ट करा, तो आप ये फोटो वोटो खींच लेना भाई इसका, देखिए जरा। हाँ भाई, ये तो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, हालांकि इससे डील करने के निपटने के और भी तरीके वही बताऊंगा आपको, बट जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल बैठा है हमारे सामने।
ये फ्रैक्शन तो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर बनानी पड़ेगी। प्रॉपर का मतलब नीचे वाले का डिग्री ऊपर वाले के डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ना कम चलेगा ना बराबर चलेगा, ज़्यादा चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या करना पड़ता है इसको प्रॉपर बनाने के लिए, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। बचपन में करते थे ना, तो x का पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड लगाओ x स्क्वायर प्लस 1 से। कैसे डिवाइड लगाएंगे, आपको x स्क्वायर से x 4 बनाना है, तो x स्क्वायर पे जाएगा, करो मल्टीप्लाई, तो दिस इज x 4 प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1। अब आपको माइनस x स्क्वायर बनाना है x स्क्वायर से, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस थिंग इज माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस ये कैंसिल हुआ, सो वी हैव 2। तो अब ये 2 मेरा रिमाइंडर आ गया। जैसे ही कोई कांस्टेंट बच जाए या इससे छोटी डिग्री बच जाए तो समझ जाओ ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब डिवीजन एल्गोरिदम लगाओ, ये सब एग्जामिनर को करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल अगर आपको करना है तो रफ साइड में कर सकते हैं, कर लीजिएगा। आइए अब मैं डिवीजन एल्गोरिदम लगा रहा हूं, तो क्लियरली डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, दिस थिंग जो भी अंदर है, दिस थिंग क्या है, ये एक्स का पावर 4 प्लस 1, दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस प्लस में रिमाइंडर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में रिमाइंडर, ऐसा लिखा जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो ये मैंने डिवीजन एल्गोरिदम लगा के इसको ऐसा लिख लिया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अपने क्वेश्चन की शक्ल देखो, x का पावर 4 प्लस 1, ये लिखा है x का पावर 4 प्लस 1, अगर x का पावर 4 प्लस 1 डिवाइड हो जाए किससे, x स्क्वायर प्लस 1 से, तो मेरा क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। चेक करो ना भाई, भाई ये x का पावर 4 प्लस 1 है, सोचो इसके नीचे x स्क्वायर प्लस 1 होता तो ये मेरा क्वेश्चन वाला ही टर्म तो बन गया था। तो ठीक है, क्या कर देंगे, अब इस पूरी पूरी दोनों साइड्स पे x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड लगा दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब एक बार इसको x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड लगाया तो ये तो कट जाएगा, जब इसको x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड लगाया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मतलब ये चीज इसके इक्वल आ गई। अब आप नोटिस करो इन सारी चीजों को, अब आप जानते हो, तो अब आप यहां पे क्या कर दो, ये तो आपका i बन जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो अब आप, सो x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये किसके इक्वल हो गया, x स्क्वायर माइनस 1। चेक करिए, तो ये आपका फ्रैक्शन था, ये मैंने डिवाइड करके सिंपल हिस्सों में तोड़ दिया, चेक करिए, सो ये बन गया आपका आई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और ये हो गया आपका टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। एकदम शानदार क्वेश्चन है इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, परफेक्ट है भाई। एक और कराते, चिंता ना करो, इसको एक और कराते अभी, हालांकि इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही चुटकियों में किया जा सकता था इस सवाल को, अभी उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, बट एक प्रॉब्लम और मैं बता दूं आप लोगों को, रुक जाइए जरा, हटा दूं भाई ये डिविजन एल्गोरिदम, मुझे सिखाना था आप लोगों को, इसीलिए मैंने इस सवाल का सहारा लिया, वरना ये सवाल तो ऐसे ही निपट जाना था। आओ निपटा के दिखाते हैं, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ जी ये सवाल तो ऐसे ही निपट जाना था। देखो ऊपर x का पावर 4 है, तो एक काम करो इसमें माइनस 1 प्लस 1 कर लो आप, और प्लस 1 पहले से लिखा था, इसका बेनिफिट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ऑन 2, स्प्लिट मार दो, जब ये इसके नीचे गया तो ये तो कट गया, और जब ये इसके नीचे गया तो कितना आ गया 2 अपॉन, ये लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये रहा, 1 का इंटीग्रेशन ये रहा, और आपके सामने है, ठीक है। मतलब वैसे भी सोच सकते थे, जो नहीं सोच पा रहा ऐसे सोच लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके, लेकिन वो वैसे मैंने इसलिए बताया सो दैट कि हम वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकें, उस टॉपिक पे एक प्रॉब्लम कर सकें। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा, एक सेकेंड वेट कीजिए प्लीज, बुक का सवाल ले लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास के लिए, नेक्स्ट सेशन में वाइंड अप करेंगे वो डिग्री 4 वाले सवाल और पार्शियल फ्रैक्शन के ऐसे वाले सवाल कराएंगे। अभी फिलहाल हाल फिलहाल बस एक प्रॉब्लम देख लो, ताकि हम ये डिवाइड करने वाले सवालों से बिल्कुल फैमिलियर हो जाएं। ये आपका 7.5 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बढ़िया सवाल है, 7.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12,
लास्ट है आज की क्लास का ये। देखिए भाई, सॉरी, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, परफेक्ट है भाई। अब देखो ये डिवीजन है, फैक्टर वैक्टर बना के देखो बन नहीं रहे, आप कोशिश करोगे, बन रहे हो तो बना के देख लो यार, बनते तो बना लो। वैसे बन रहे हैं इसके फैक्टर, अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ हो सकता है इनमें से, आप एक्स कॉमन निकाल सकते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, नहीं पर फैक्टर नहीं बनेंगे, बात नहीं बनेगी। तो डिवीजन है, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशनलाइज आप करके देख सकते हो जो आपको ठीक लगे, मुझे मुझसे नहीं हो रहा है, आप करके देखो, नहीं बन रहे फैक्टर वैक्टर तो क्या करें भाई। तो ये तो डिवीजन है बट ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, आप चेक करो ऊपर वाले का डिग्री कितना है तीन और नीचे वाले का डिग्री कितना है दो, तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, डिवाइड करके बनाओगे और कैसे बनाओगे, डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड लगाया एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव टू एक्स प्लस वन। जैसे ही उससे छोटी डिग्री आ जाए, जैसे ही कोई कॉन्स्टेंट आ जाए, तो समझ जाओ ये आपका रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। तो अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिदम कहती है दिस थिंग जो भी अंदर लिखा है कैन बी रिटन एज दिस इंटू दिस प्लस में रिमाइंडर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस में रिमाइंडर, तो ये मैंने लिख दिया इसको ऐसा। अब सुनिए, ये तो मेरा न्यूमरेटर है, सोचो अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड लगा दूं तो मेरा सवाल बन जाएगा, तो पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड लगा दो, तो लगा दो डिवाइड, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। जब आपने इस टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड लगाया तो कट गया, एक्स बचा, अब इनको इंडिविजुअली लगाओ, जब आपने इस टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड लगाया तो आया टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ आ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, पहला टर्म एक्स डी एक्स, अगला टर्म 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, उससे अगला टर्म डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। आइए, ये तो आई बन गया, छोड़ दो इसे, एक्स स्क्वायर बाय टू, सब्सटीट्यूशन, नीचे वाले को t रखने का डेरिवेटिव ऊपर, फॉर्मूला नीचे x का पावर दो मतलब पर्टिकुलर फंक्शन, वो छह फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें से फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन टू ए लॉग वाला, तो आओ करते हैं इसको, इस वाले को पुट, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज टी, सो टू एक्स डी एक्स इज dt, so therefore left side is i, ये x dx एक साथ ही कर देंगे इंटीग्रेशन, dt by t, और ये हो गया dx upon x square minus 1, ठीक है ना, बस हो गया खत्म। तो दिस इज x square by 2, ये log t, ये 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus में c, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, t का वैल्यू डाली क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो भाई अब आप लोगों का क्या क्या हो गया, देखो जो मैंने आज कराया उसके हिसाब से आप 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे, 12 बनाएंगे, और क्या बना सकते हैं, और आप 23 बना सकते हैं, उसके अलावा जो आपको रिपीट करना है बाकी 7.5 लगभग मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे, लास्ट सेशन में भी हमने देखे थे, तो वो वाले प्रॉब्लम्स भी आप ट्राई कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है भाई, अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, बस मेरा पार्शियल फ्रैक्शन में ये वाला पार्ट रह गया है, ठीक है, इससे भी 2023 में सवाल आया था, और 2013-14 ये तो आता रहता है, 2013 में इसके ऊपर सवाल थे हर सेट में, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बचा है, इसके बाद फिर हम बाय पार्ट्स करेंगे एंड ये इनडेफिनिट का जर्नी ख़त्म करके फिर हम आगे मूव करेंगे। तो ठीक है भाई, अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।